अशोक नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2 या 2-3 जो कॉमन वो है, उस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 60 वर्ष ऊपर के ही थे, उनकी अचेत अवस्था में वो मिलते हैं 29 जुलाई की शाम को 6:30 बजे के करीब। ये रेगुलर वहाँ पे इवनिंग में वॉक करने आते थे, तो आसपास के लोगों द्वारा बस ये पता चला ये वॉक करने आए थे और ये कोलैप्स कर गए। तो प्रभारी जो वहाँ पे है उसने तत्काल जो है उन्हें अस्पताल पहुँचाया। सुबह सुबह उनकी 5:30 बजे के दौरान मृत्यु हो गई। जब उन्हें भर्ती भी कराया था तो वो अचेत अवस्था में, तो वो स्वयं कुछ बताने की स्थिति में थे नहीं जिससे उनका बयान लिया जा सके। सुबह जैसे ही उनकी मौत हुई, तत्काल फिर अपना अमला, डिटेक्टिव यूनिट, प्रभारी सैयद, इधर फ़ोन के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी इन लोगों को जो है संसूचित किया गया कि तत्काल आप जो है फुटेज वुटेज खंगालिए और वहाँ के जो भी लोग और भी आते हैं इवनिंग वॉक करने के लिए उनसे संपर्क साधें। विद इन 3-4 आवर्स हम लोग नैप कर लिए, बंदा कौन सा था फिर उसके घर पहुँच गए। छगेरा उधर गांव पड़ता है, 20 वर्ष का लड़का है छोटू लोधी, उसके पिता स्वर्गीय निरंजन लोधी, 20 साल की उम्र का है ये और नशे का आदि है ये। और भी दो तीन दोस्तों के साथ आए दिन वहाँ पे नशा करते हुए मिलता है। वो चिलम जिससे गांजा वाजा पीता है, वो माइक टू भी उसके बाद कल ही गए हैं वहाँ पे फील्ड में, तो वो जब्ती भी हो गई है उसकी। और वो पत्थर जिससे उसने मारा वो पत्थर भी जब्त हो गया है। एक ही बार के पत्थर के मारने में उनको इतनी ब्लीडिंग हुई वाइटल पार्ट पे उसने किया अटैक कि वो तत्काल जो है कोलैप्स हुआ और फिर वो उठे ही नहीं, तो उनकी जो अचेत अवस्था थी वो फिर सीधे मृत्यु में ही बदल गई। तत्काल फिर इस व्यक्ति को निरुद्ध करके ये लोग ले आए और जेल में पेश कर दिए थे। अभी तक का इंटेंशन यही है कि गांजा को लेके या तो पैसे इसने मांगे और उनने मना किया, कुछ गाल वाल खींच दिया ऐसा, क्योंकि वो बच्चे जैसा ये 20 साल का, तो उस पर से जो है इसने गुस्से में और काफ़ी नशे में था ये, मतलब ही वॉज नॉट टोटली अवेयर कि उसके एक्शन का क्या परिणाम होगा ऐसा, तो उसने पत्थर से एक दिया और उतने में वो कोलैप्स कर गया। कुछ अपने पास फुटेज भी है उनकी जब्ती वगैरह के बारे में भी, अभी माइक टू इंस्ट्रक्ट करके आए हैं, तो अपने पास हथियार भी आ गया है और बंदे का पूरा PM रिपोर्ट भी आ गई जिसमें सीधा कारण जो है हेड इंजरी ही बताया गया है, जो इतनी प्राणघातक थी कि ही कुड नॉट सर्वाइव। नहीं, छोटू लोधी अक्सर अन्य अपने दोस्तों के साथ नशा करता है, पर इस पर्टिकुलर काम में अकेले वही है जिसने अटैक किया, छोटू लोधी नहीं मारा है। मृतक नशा करने के ऐसे आदि नहीं थे, पर 1.5 महीने से करीबन इसके संपर्क में आए थे, तो एक आध बार उसके साथ नशा किए हैं ऐसा आरोपी बता रहा है। CCTV नहीं है, एक कैंटीन है वहाँ पे उसके फुटेज में है, पर उसमें वो ऑलरेडी मृतक होने के बाद, मतलब वो वहीं लेटे हुए हैं और बाकी लोग उसे समझा रहे हैं लड़के को, बस इतना से ही अपने पास क्लिप है, थोड़ा दूर से है वो।